किसी और के चक्कर में अगर लगे ना तो तुम सिर्फ मेरे हो, याद रखना फंसा दूंगी। मेरी शादी हो रही है, तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। भाभी मैं नहीं रह सकता, मेरी शादी हो रही है। मैं भैया से बोल दूंगा कि आप जो हरकतें कर रहे हो। मैं बोल रहा था ना भैया आपको, मैं बोल रहा था आपको, क्या बोलोगे संसार को जाके कि मेरी लुगाई घर घर जाके। 3 साल का बच्चा होने के बाद भी, हस्बैंड होने के बाद भी तुम रात रात को उसके पास जाके मुंह मारती हो तो मैं शर्म आती। पूरी रात मेरे साथ होती है। हमार भैया आप जब काम पे जाते हो तो वो पूरी रात मेरे पास आती है, और जब आप काम से आते हो उससे पहले वो आपके पास ऊपर आ जाती है। वो भैया मेरी बात सुनो, भैया पहले मेरी बात सुनो भैया, मैं रेंट नहीं दे पा रहा था इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि तू मेरे साथ ये सब कर तो मैं तेरा रेंट नहीं लूंगी। खामोश भैया, भैया पता तू क्या कह रहा, कोशिश करो। क्या बोल रहा तू, समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा तू, समझ में नहीं आता तेरे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाभी को समझाओ ये सब ना करे, वो मेरे साथ जबरदस्ती करती है। भैया तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या, मेरी वाइफ ऐसे कैसे करेगी भैया, मैं कैसे करेगी वो। आप समझने की कोशिश करो, आप उनको समझाने की कोशिश करो, उनसे एक बार पूछो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये चीज, मेरे से गलती हो गई, मैं मानता हूँ। बक्कल तार दूंगा 2 मिनट में, गलती हो गई, समझा नहीं आपसे, मैं मानता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने का। भैया आप मेरा यकीन करो भैया, जब आप मेरी वाइफ है, तेरी वाइफ है भैया, मैं यकीन करूँगा भैया। मैं अगर ये बात अगर सच नहीं होती तो मैं आपको क्यों बोलता भैया। मैं खुद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद नहीं चाहता ये सब चीजें करना भैया, मैं मजबूर हो गया हूँ। आवाज नीचे कर ले, जो लफ्ज बोल रहा ना, अल्फाज बोल रहा भैया, ध्यान रखिए इस बात का। मैं गलत समझा नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप एक बार उनसे पूछ लो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा भैया। तो किराए के चक्कर में तो नहीं बोल रहा भैया ऐसे भैया, यही तो बात है, मैं किराए के चक्कर में ही तो फंस गया भैया, आप समझने की। आप इधर आओ बैठ के बात करते, क्या बात है भैया। मैं ना रेंट नहीं दे पा रहा था, मेरी नौकरी। डरो मत, कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे कुछ। अच्छा भैया मैं ना रेंट, कैमरा स्टार्ट है ना भैया, मैं रेंट नहीं दे पा रहा था, मेरी नौकरी छूट गई थी। हाँ। तो मैं लेट हो रहा था 2-4 दिन, ऐसे हर बार ये हो जा रहा था। तो भाभी ने मेरे को बोला कि नहीं मेरे को तू रेंट मत दे, तू मेरे साथ चीजें कर, तू मेरे साथ सो करके ना। क्या बोल रहा तू, क्या बोल रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इतना कमाते हैं हम, इतने पैसे है हमारे पास, बिजनेस करता हूँ, और तू यार 2% की बात करेगा मेरे से। गलत अगर बोल तो आप जो मर्जी वो कर लेना, जुबान को लगाम दे ले, ध्यान रखे इस बात का, समझा नहीं। आप जब ऑफिस जाते हो ना भैया, वो नीचे आ जाती है किसी ना किसी बहाने, और फिर भैया फिर हरकतें करती है भैया, मैं खुद परेशान हूँ उस चीज से। चुप, मैं हलक से जवान खींच लूंगा, ध्यान रखना इस बात को। जो अगर भैया मैं गलत हूं ना, आप मेरे को कुछ भी कर लेना भैया, मैं गलत नहीं बोल रहा भैया। आप बैठो भाई, क्या बोल रहा है, मेरी दिमाग की क्यों हिला रहा है। बैठो आप, बैठो, परेशान मत हो आप, बैठो, मैं हूं ना यहाँ पे, आप इधर आ, नीचे बैठ, चुपचाप सच बता जो बोलना, नहीं तो इधर देख ऊपर, ये मेरा हाथ एक बार ही लग गया ना तेरे, तो किसी और हाथ की ना फिर तेरे को पता भी नहीं लगेगी लग रही है नहीं लग रही। ढंग से बता और सच बता, ये जो झूठी कहानी बना रहा है ना, या तो सच बता भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप भी बैठो, आप भी बैठो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। इनकी वाइफ ने क्या बोला था तेरे को, सच सच बता भाई। 2 महीने पहले ना मैं रेंट देने में लेट हो गया था, तो उससे पहले भी मैं 1-2 बार रेंट देने में लेट हुआ हूँ, तो वो ना मेरे को घूरती रहती थी, तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता, लेकिन मैं नीचे जा जाता था। पिछले 2 महीने पहले वो नीचे आई, उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार भी तू रेंट नहीं दे पाएगा, मैं तो मेरी नौकरी छूट गई थी। मैंने कहा हाँ भाभी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप प्लीज़ भैया को बोल देना। तो उन्होंने कहा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको तो मैं देख लूँगी, घर मेरे इशारों पे चलता है, तू ये बता कि तू रेंट नहीं दे सकता तो क्या दे सकता है मेरे को। फिर वो भैया हरकतें करने लगी, मेरे को टच करने लगी, फिर मैंने उनको बोला ये सब गलत है भैया, नहीं है, आप चले जाओ अपने घर पे, रात हो रही है, शोर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने और बदतमीजी, उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बार कर ले, तेरा रेंट माफ़ हो जाएगा। तो भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो तूने मैं 2% के आदमी वो तेरे से वो करेंगे, गलती हो गई मेरे से भैया, 2 पैसे का आदमी भी भाषण झाड़ रहा है यासिक। रेंट माफ करने के लिए तूने भाभी की बात मान ली है, मेरे से गलती हो गई, तो अगली बारी तेरे पे रेंट नहीं होगा तो तू भाभी को खुद बोलेगा कि मेरे से रेंट मत लो, मैं आपके पास आ जाता हूँ। साला झूठ बोल रहा है, तूने आने से पहले मेरे को ये बात बताई थी कि मैंने ये सारे कांड करे,
भैया गलती हो गई भैया, झूठ बोलने का क्या, झूठ पे झूठ बोल रहा है, बोला ना झूठ बोल रहा है, इतनी नफरत है ना भैया आप, झूठ नहीं मैं अभी सच बोल रहा हूँ बिल्कुल भैया, 100% सच बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, कर रहा अब अगर एक और झूठ बोला ना थप्पड़ इतने मारूंगा कोई बचाने नहीं आएगा तेरे को यहाँ पे, मैंने पूरी की पूरी बता दिया भैया, इसके आगे कुछ नहीं है भैया, यही बात है भैया। अब क्या कह रही है भाभी भैया, अब वो मुझसे कह रही है कि मेरे साथ रोज कर भैया, मैं परेशान हो गया, वो मुझे रोज कहती है कि मेरा पति क्या, तू मेरा पति है तो ऐसे क्यों, मैं भाइयों मेरे घर की इज्जत उछल रहा है भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, वरना मैं क्यों तुझे फाड़ कर फेंक दूंगा 2 मिनट में। अरे भैया आप समझने की तो कोशिश करो भैया, मैं भी तो परेशान हूँ, तो तेरी परेशानी तो हैंडल हो जाएगी, इनकी परेशानी कैसे हैंडल होगी, इनकी वाइफ के बारे में बात कर रहा तू भैया, आपका रात को घर पे नहीं होते हो क्या भैया जी, मेरा बिजनेस का काम है, दो दो तीन तीन दिन भी नहीं आता हूँ। अच्छा सुबह चले जाता हूँ, रात को आता हूँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ, बॉम्बे चला जाता हूँ, गोरा चले जाता है, ये यूँ कह रही है कि भाभी पूरी रात मेरे पास होती है और आपके आने से पहले घर आ जाती है आपके पास। यार ऐसे कैसे हो सकता है ये बताओ, किस चीज़ की कमी, कोठी है मेरी, गाड़ी बंगला है, चीज बस है, सारा पैसा है, खुला खर्च करती पैसा है, तो समझे लेती नहीं है ना, रेंट ले ही नहीं रही इससे, इससे रेंट नहीं ले रही, उसको कह रही है कि मेरे को रेंट नहीं चाहिए, मेरे को तू चाहिए, पैसा बहुत है और पैसे चाहिए तो और पैसे ले लो। भाई मैं तो यकीन कर सकता नहीं है क्या बोल रहा है, ऐसे कैसा हो जाएगा। तो आपको कभी, आपको कभी आपकी वाइफ ने ऐसे बोला कि नीचे वाला पड़ोसी परेशान, कोई डाउट ही नहीं ना, मैं किसी के किराए के बारे में बोलता ना किसी चीज, क्योंकि अपने बिजनेस से ही मेरे को फुर्सत नहीं होती तो मैं क्या बोलूंगा, वही लेती रहती है तो भैया किराया भाड़ा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरा बाहर का है, उसका घर का है। आपकी वाइफ ने ये बोला कि छेड़खानी करता है कुछ, उसने कुछ ऐसी नहीं करे, जब से शादी हुई ऐसी करती है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई फील नहीं हुई जरा से भी, कोई एहसास भी नहीं हुआ। बच्चे हैं नहीं है, एक बच्चा है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को जाते थे नहीं, 8-7 साल ही हुए बस। एक ही बच्चा? एक ही बच्चा है। वाइफ खुश है आपके साथ? अरे खुश क्यों नहीं यार, बच्चा है, सब कुछ है, पैसे दे ले, काम धंधा सब कुछ है, वो पूरा मैं इसका कैसे यकीन कर लूं? नीचे बैठो आप, तू कहीं ब्लैकमेल करने के पैसे के चक्कर में तो नहीं है? आपको बैठो बैठो, और ब्लैकमेल करना होता तो मैं तो अभी यूं सोच रहा हूँ कि यही गलत हो, क्योंकि ये जितनी बातें बोल रहे हैं ना भाभी के लिए, वो देखे जाए तो बहुत गलत है। अगर गलती से आपकी आपकी वाइफ ही गलत निकली ना, तब तो फिर मामला। अगर वाइफ गलत निकली ना, उसे तुरंत तलाक दूंगा और घर से बेदखल करूंगा, देख लो, छोड़ने का नहीं, इससे भी कुटूंगा उससे भी कुटूंगा, मेरा घर बर्बाद होगा। तो मैं गलत हूँ ना, तो आप मेरे को जो मर्जी सजा दे लेना। तो एक काम कर, भाभी को यहाँ पे बुला सकता है, तेरे फोन करने पे आ जाएगी? हाँ मैं बोल सकता हूँ, आ तो जा सकती हैं, उनको जैसे तैसे करके बुला लेगा, कुछ भी बोल के, बोल दे के हाँ। लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ है, आप अपना फोन। चल मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, नंबर तो याद होगा भाभी का तेरे को इस टाइम तक। बहुत सिंपल नंबर है भैया। कोई नहीं, एक काम करते हैं, भाभी को कॉल करके यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है? सब पता लग जाएगा कि भाभी बुरी है, ये बुरा है, जितनी भी चीज होगी ना अभी थोड़ी देर में आप सभी को पता लग जाएगी। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो एंड तक। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भाई लोग वीडियोस देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करो। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में, ले फोन कर। क्या हो गया जानू? कुछ नहीं भाभी। और बताओ, कल कहाँ थे तुम? कल भाभी काम से गया था। कहाँ गए थे काम से? काम से तो मुझे तो नहीं लगता तुम काम से गए थे। नहीं भाभी, मुझे तो लगा तुम किसी और के चक्कर में हो। नहीं भाभी मैं घर गया था, मेरे को किसी और के चक्कर में अगर लगे ना तुम, तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुम और किसी के चक्कर में लगे ना, देखो भाभी तो ये याद रखना, फंसा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। भाभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर गया था और मेरी शादी हो रही है, आप प्लीज ये सब चीजें मत करो। शादी हो रही है? हाँ भाभी, ये सब चीजें प्लीज आप मत करो, आप शादी वादी कुछ नहीं कर रहे हो तुम। अरे भाभी समझने की कोशिश करो, मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं। काहे के लिए फोर्स कर रहे हैं? तुम घर आना बंद कर दो, मैं तुमसे रेंट भी नहीं ले रही हूँ, उल्टा एक्स्ट्रा पैसे भी तुम्हें दूंगी, खर्चे के लिए भी दे रही हूँ, तुम्हें सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी भाभी मेरे को नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी बात मान ली, मेरे को नहीं करना था वो चीजें। क्या एक रात हम आपका रेंट आपने मेरा माफ कर दिया, मैं हो गया तुम्हारे जो हमारे साथ बीच होना था। तुम्हारे साथ मेरे रिलेशन बनाए खाली किस लिए बनाए? कि तुम्हारे भैया जो है वो घर पे रहते नहीं है, वो बाहर रहते हैं। भाभी मैं 8 साल हो गए मेरी शादी को उसके साथ, तब भी मैंने तुम्हें देखने के बाद में उसको मैंने धोखा दिया पहली बार, ठीक है? और वो कर सकता, ये कौन सी बात होती है? नहीं भाभी नहीं होगा मेरे से, भाभी नहीं होगा, यहाँ मत्था मारी तो करना मत भाभी, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? बुद्धि खराब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
भाभी ऐसे क्यों कर रहे हो आप? बिल्कुल भी क्यों नहीं। मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो? चोट नहीं चाहिए यहाँ पर, ड्रामा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो भाभी? आप देख लो ना, दो तीन महीने से तेरे रोज रेंज, हर बार मैं उनसे बोल देते रेंज तो आप भैया की, तो सोचो आप भैया को धोखा दे रहे हो। वो बाहर रहते हैं, उनकी कुछ नहीं सोच रहे मेरे को। अरे भाभी आपके लिए तो बाहर रहते हैं, वो मेरे लिए नहीं रहता बाहर, अपने लिए रहता होगा मुझे नहीं पता। भाभी सारी चीजें आप ही के लिए तो कर रहे हैं, इतना सब कुछ आप ही के लिए तो कर रहे हैं। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मत बन भैया का। तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों नहीं पड़ूंगी, रेंट पर रह रहे ना तो मेरे यहाँ। भाभी रेंट नहीं दे रहा, मैं दूंगा ना रेंट, मैं दूंगा ना, मेरा जॉब छूट गया था ना भाभी। मुझे रेंट नहीं चाहिए भाभी, आप देखो रेंट ले लो। नहीं चाहिए मुझे रेंट, लेकिन ये सब चीजें मेरे से नहीं होंगी। करेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, करेगा भाभी नहीं होगा मेरे से। मैं मेरी शादी मत कर, ड्रामा मत कर यहाँ पर। अरे भाभी मेरी, ठीक है, यहाँ मत्था मारी करने के लिए नहीं आई हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मत्था मारी करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। कभी मैं घर से बाहर नहीं निकलती तेरी वजह से, मैं यहाँ पार्क में आई हूँ। तो भाभी फोन करके बुलाया तो भाभी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भाभी अपने बच्चे को छोड़ के, भाभी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, गलती हो गई की मैंने कदम उठा लिया, कुछ मैं कुछ नहीं सुना। जब कदम उठाए थे जब नहीं सोचा था, जब कदम उठाए थे जब नहीं सोचा था भाभी। मैं आप तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा भाभी, मैं नहीं रह सकता, मेरी शादी हो रही है भाभी। जब तूने कदम उठाया जब नहीं सोचा तूने भाभी, मेरी गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? अब तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा, अगर नहीं करा तो मैं तुझे फंसा दूंगी। आप भैया को बता दोगे ये चीज? मैं तुझे फंसा दूंगी। भैया को बीच में क्यों ला रहा है तू? क्यों ला रहा है? क्यों धोखा दे रहे हो आप उन्हें? आप शादीशुदा हो तो शादी सुधा तो आप सोचो, आपका बच्चा है तो क्या भाभी? तो क्या क्यों सबकी जिंदगी खराब कर रहे हो? उस दिन तो बीच में नहीं लाया था, तो उस गलती हो गई, मान तो रहा हूँ। तो तू बीच में नहीं लाया था, कल और आज में तो सबको बीच में लाने लग गया। भाभी देखो मेरे से गलती हो गई, परसों तक तो तू बीच में नहीं लाया था ना, कौन पति कौन बच्चा किसी को बीच में नहीं लाया था, और आज और कल में तो बीच में लाने लग गया। क्या मतलब क्या है? आप समझ नहीं रहे। शादी करने के लिए तो शादी करने के लिए जा तो सही, देख तो सही, फिर मैं तेरे साथ क्या करती हूँ? भाभी मैं कह रहा हूँ मेरा जिंदगी बर्बाद मत करो आप, मत करो, जिंदगी बर्बाद हो रही है तेरी। मैं परेशान हो गया हूँ, मत करो मेरे को, नहीं करना ये सब। चूड़ा कितना अच्छा पहन कर आई हूँ। अरे भाभी मत करो यार ये। क्या मत नहीं करो? आप शादीशुदा हो, आपका बच्चा है, आप उन परिवार देखो ना अपना। वो बाहर रहता है, तो बाहर रहता है तो आपके लिए तो रहता है। मैं दो तीन तीन दिन तेरे साथ रहती हूँ ना, तो भाभी बात करती, तेरे पास रहती हूँ ना, रहते हो या नहीं? या मत्था मारी मत कर, या सिर पे हाथ रख के मत बैठ। अरे भाभी मत करो ये सब चीजें मेरे को। क्या सब नहीं चीज नहीं करो? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आप आप, 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 आप शादीशुदा हो, आप अपने पति के पीछे जाओ ना। अच्छा आप उसको बोलो जो आपको कमी लग रही है। अच्छा वो बाहर रहता है ना, तो बुलाओ उसको घर पे बिठाओ। बुलाऊं? तू है तो मेरे को नहीं रहना भाभी। क्यों नहीं रहना? आप एक तो पहले दूर हो, इधर बैठ भाभी, दूर हो, मत करो ये सब चीजें। ठीक है ड्रामा मत दिखा, मत करो बहुत अगर रेशन ये मत करो भाभी। ठीक है ये ड्रामा मत करो, बुला तूने मेरे को यहां पर भाभी, ये सब चीजें मत करो। देखो क्यों नहीं, मेरे को नहीं करना ये सब चीजें। क्यों नहीं करना ये? अरे मेरी भी जिंदगी भाभी। क्या जिंदगी? मैं रोज रात में, आप आ जाते हो नीचे तो मैं ऐसी आऊंगी तो क्यों आओगे? मेरी भी जिंदगी है ना, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ ना, मेरी भी कोई चॉइस हो सकती है। तो मैं रेंट दूंगा ना भाभी, हर मंथली भाभी हेल्प करती हूँ ना भाभी। मेरे से गलती हो गई, मेरे पास रेंट नहीं था, मेरे से गलती हो गई। अच्छा हाँ, और अब मैं आपको हर महीने टाइम से पहले दे दूंगा रेंट। नहीं सोचा तूने? तो मेरे वही तो गलती हो गई ना मेरे से। अच्छा मेरे से हो गई गलती, तब ये गलतियां करते रहे तू। नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तुझे राजी राजी कुराजी भी करना, मुझे शादी करनी है अपनी शादी, चार रोके कर देखो, पर तुझे करना पड़ेगा। मेरे को शादी करनी है, मेरे घर वाले लड़की देख रहे हैं नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी खराब हो। आप कहो तो मैं घर छोड़ दूंगा, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी, तू कहीं भी चले जा दुनिया से। आप कहो तो किसी भी कोने में चले जा, तो मैं घर छोड़ दूंगा। ये याद रखे, दुनिया में किसी भी कोने में चले जा तू ना, मत करो बाहर है भाभी, हम दुनिया में किसी भी कोने में चले जाना तू, तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखिए ठीक है। भाभी मत करो ना, आप ये क्यों कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? सीधे बैठ, सीधे ये क्यों कर रहे हो आप? ठीक है क्यों कर आप समझा करो ना यार, बाहर है। क्यों समझा करूं मैं? मेरी शादी होने वाली है, मत करो ये सब। शादी तो करके तो देख, मत करो ये सब। कहाँ जा रहे? कहाँ? क्यों कर रहे हो ये? इधर बैठे था। आप दूर रहो ना भाभी। अरे इधर बैठ ना। क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मेरे को नहीं करना ये सब चीजें। अरे जा, मेरे को नहीं करना ये सब चीजें। करना पड़ेगा,
मेरी शादी हो रही है और मैं शादी करूंगा। मैं तो शादी शुदा हूँ, जब मैंने नहीं किया तू क्यों सोच रहा है? आपकी हो रखी है, मेरे को करनी है, मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। करनी है, मैं दूसरी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करूंगा, मैं करने ही नहीं दूंगी। देख मैं ये साथ जुनू तूने मेरे साथ करा है ना, मैं फिर मैं तेरे को फंसाऊंगी उल्टा, मैं तेरे को उल्टा फंसा दूंगी। अगर क्या करोगे आप, उल्टा फंसा क्या करोगे? देखते जा तू क्या करोगे, कर तो सही तो शादी। नहीं क्या करोगे, कर तू ना शादी। मैं शादी करूंगा, कर। देख मैं तेरे उल्टा फंसाऊंगी तेरे को, मैं शादी भी करूंगा और जाऊंगा भी। आप रोक लेना, जाके दिखा ना तू। हाँ जाऊंगा मैं, मुझे यहाँ बैठ। हाँ सही, समझ मत करो भाभी ये सब, कुछ नहीं यही सब होगा। अब समझ में आई ना? आप मत करो, देखो ये ये सब चीजें गलत है, मैं आपको फिर से प्यार से समझा रहा हूँ। देखो भाभी आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, ठीक है, आपका बच्चा है, छोटा वैसे चलने दे, आपका छोटा बच्चा है, ठीक है। आप सोचो कि चार जने अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, 6 साल का हो गया वो, ठीक है, छोटा नहीं है, और जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। भाभी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, मेरी भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? रेंट भी देने की जरूरत नहीं है, जिस अब तक नहीं दिया ना। अरे आप मेरे से ले लो यार रेंट, मैं घर ही छोड़ देता हूँ ना। घर तो मैं तुझे छोड़ने दूंगी, किसी कीमत में नहीं छोड़ने दूंगी। सोच क्या रहा है तू, मैं तुझे आप मेरे सर का दर्द बन रहे हो, मैं तेरे सर का दर्द बन रही हूँ? अच्छा जब तो नहीं सोची थी तूने कि मेरे साथ। अरे होगी गलती ना, बता तो रहा हूँ, तो उस गलती का तुझे भुगतान हमेशा करना, और वो आप ही की वजह से हुई है। वो गलती का भुगतान तुझे अब हमेशा करना। अगर आप वो डोरे ना डालते ना रोज रोज, तो ये चीजें होती भी नहीं। हाँ तो ये गलती का भुगतान ना अब हमेशा करना पड़ेगा, ये याद रखियो। देखो मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, क्या बोल मेरे दिया? को नहीं करना, मुझे नहीं करना, मेरी शादी हो रही है, नहीं रहना, मुझे चीजें करनी और। अच्छा आप चल घर चलना, आप मत करो ये सब चीजें, भैया से कह दूंगा मैं। क्या बोलेगा भैया से? मैं भैया से बोल दूंगा कि आप जो हरकतें कर रहे हो। अच्छा भैया से बोलेगा, बहुत हो गया भाभी। अच्छा तू भैया से बोलेगा, भैया विश्वास भी करेंगे तुझे लगता है? मैं उन्हें सब कुछ बता, मुझे पता है मेरा भी नाम बदनाम होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बदनाम नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा तुझे लगता है कि भैया तेरी बात का विश्वास करेंगे? हाँ कर लेंगे, वो मेरे साथ 8 साल से रह रहे हैं, ठीक है, और अभी तक मेरे से उन्होंने एक चू नहीं बोला है, अब वो तेरी बात क्योंकि वो अभी तक जानते नहीं थे ना। अच्छा अब जान गए, अब अच्छे से जानेंगे आपको। अच्छा। कि आप क्या करते हो रोज रात में, नीचे आते हो, मेरे से बदतमीजियां करते हो मेरे साथ। बुला बुला भैया, बुलाऊंगा ना, बता ना, बता भैया को, बता क्या बताएगा तू हैं, और करेगा क्या, क्या कर लेगा तू और तेरा भैया? भाभी इतना भैया का बुच्चू मत बन, ठीक है, जो चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दे। यहाँ काला मुंह कर लिया। सुनो ना, ये ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? ये मुझसे रिलेशनशिप बनाने के लिए बोल रहा था, ये बात करने के लिए कह रहा था। अच्छा, ये जबरदस्ती कर रहा था। क्या जबरदस्ती कर रहा था? इसने बुलाया था मुझे यहाँ पर। क्या जबरदस्ती कर रहा था? मैं बोल रहा था ना भैया आपको। क्या जबरदस्ती? मैं बोल रहा था आपको। हैं? सुनो ना। क्या जबरदस्ती कर रहा था? मेरे को बोल रही थी शादी नहीं करने देंगी, घर नहीं छोड़ने देंगी। क्या नहीं तेरे पास? भुक्की नहीं है तू, गिर रही है। हैं? इन खड़ों का डरते चुम रही तू। ऐसे हरकत क्यों रही हूँ? ये बता। करी क्यों तूने ऐसे हरकत? मैं आपको बोल रहा था ना भैया। ये बता। देख लो आप खुद ही देख लो। हैं? फिर करने का क्या होगा? मुझसे कह रही है कि तेरे को शादी नहीं करने दूंगी, घर नहीं छोड़ने दूंगी। ये बता। अब बोलो ना, क्या बोल रही थी कि क्या कर लेगा तेरा भाई? हैं? क्या लेना आई यहाँ पे? मैं क्या लेना आई तू? कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती, अब क्या लेना आई यहाँ पे? अब रो क्यों रही हो? बोलो ना, अभी तो ठाट दिखा रही थी। तुम भी तो भैया आप भी देखो ना, खामोश खड़ा रहे, समझे नहीं? तुमने तो मेरा घर बिगाड़ के रख दिया साले, तुमने भी रख दिया, कैसे ही रहे साला, खून की जंग हुआ दोनों का, मेरी जिंदगी खराब कर दी दोनों ने मिलके। मैंने क्या किया भैया? तू क्या कर रहा था वहां से मेरे घर? उसको अपनी बीवी को संभालो ना, आपकी बीवी का लक्षण ठीक नहीं है। समझ में नहीं आता तेरे? कुछ नहीं, इसने ही बोला था मेरे से। मैंने क्या बोला था? नहीं बोला था। मैं आपके सामने की बात है, आपके सामने की बात है। क्या बोला था? क्या उससे पूछो ना, उससे पूछो आप। आज चलोगे? आपने आज तक मेरे को गलत देखा कभी? नहीं देखा ना तो आज तो देखा मैंने बहुत कुछ। नहीं इसने बुलाया मेरे को यहाँ पर रैंक देने के बहाने ही बुलाया था। तू आई फिर? तू भाभी पार्क में आ जाओ, मैं रैंक दे दूंगा आपको। क्यों आई तू?
क्यों आई तू फिर? क्यों आई तू? किस लिए आई तू? क्या नहीं मिलता तुझे घर में? सब कुछ है। तो फिर? सारी इज्जत बेइज्जत खराब कर रही है तू? अब तू सोच रही मैं रखूंगा तुझे? तुझे ना रखने का बिल्कुल भी समझे नहीं, तुझे तो तलाक दे के रखूंगा। माफ कर दो मुझे, गलती मेरे से। कहेगा माफ कर दूं? कहेगा माफ कर दूं? मुझसे गलती हो गई। सुनो, मेरे बाहर जाने का बिजनेस का मेरा नाजायज फायदा उठाया ना तूने? उठाया नहीं। गलती क्या नहीं दिया मैंने तेरे को? गलती हो गई। क्या नहीं दिया? गलती हो गई। हाथ पीछे, तू तो हाथ लगाने के लायक भी नहीं रही, देखने के लायक भी नहीं रही। गलती हो गई मेरे से। तो मुंह काला कर दिया इसने आपका, इसने पूरा काला कर दिया। जैसे कपड़ा वैसा मुंह काला कर दिया आपका, काले कपड़े काला मुंह। क्या बोलोगे संसार को जाके कि मेरी लुगाई घर घर जाके मेरे पीठ पीछे क्या करती है? भाई बिल्कुल हकीकत में करती है। थोड़ी बहुत जो दाढ़ी बचा रखी है ना, ये दाढ़ी भी जाके कटवा लो, क्योंकि आज तो आपकी नाक कट गई। बंडन के रहने का क्या फायदा? हाथ पीछे। अब कुछ नहीं हुआ जी, अब तो ये कुछ नहीं दे भाई, मैं रखूंगा भी नहीं। सर रख के ना रख के क्या करोगे? पड़ोसी सारे लोग क्या बोलेंगे आपके बिजनेस में? आपकी लुगाई तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ मुंह मारती है। वो मुझसे कहती, मेरा पति कुछ कर ही नहीं पाता है। पैसे नहीं बताओ यार, उसको कह रही है मैं तेरे को पैसे दूंगी, उल्टा बताओ। उसको शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है? गलती का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ तलाक। एक बच्चा है, बड़ा होके क्या बोलेगा? मेरी मम्मी क्या बोलोगे उसको? पता नहीं बच्चा भी मेरा है या नहीं है। मेरे बारे में ऐसी खेल करती है, अब मैं कैसे कर यकीन करूँगा मेरा बच्चा? जब ऐसे फंड रुको तुमने फंसा लिया दूसरों को। गलती हो गई मेरे से, मेरे काम धंधे का नाजायज फायदा उठाया, मेरे बाहर जाने का नाजायज फायदा उठाया तुमने। और जा रेंट के चक्कर में। अरे भैया गलती होगी मेरे से भैया। नहीं है रेंट, नहीं ऐसे। इधर हटो भाई साहब, हटो इधर, इधर साथ बैठ जा, शादी कर लो दोनों इकट्ठे, आराम करो। गलती होगी भैया मेरे से। हो गई ना गलती, एक बार और कर लो गलती यहाँ पे हमारे सामने। रोज ऐसा बंडन के रहने का कोई फायदा नहीं है। आपकी घरवाली ने आपका नाक कटवा चुका है पूरा। भैया काम धंधा मेरा ऐसे है, लोग देख रहे हैं, मेरा बिजनेस है, काम धंधे तो रहना पड़े। वाइफ भी तो आपके पीछे पीछे चला रही है। अभी यही रह चलाएंगे, मैं तो इन्हें घर के दरवाजे पे भी नहीं झांकता हूँ। गलती हो गई मेरे से। अब खड़ा हुआ नहीं जा रहा क्या? अब कोई मतलब अब खड़ा हुआ नहीं जा रहा क्या? है गलती, अपने अपने घर से नीचे वाले फ्लोर तक कैसे आती थी आप? कैसे आती थी, क्या बोलती थी आपको? थोड़ा आगे किचन भाई, मेरी नजर दूर कर रहे हैं। इधर थोड़ा मुंडी ऊपर करो। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोलती थी उसको? तेरे को रेंट देना नहीं पड़ेगा, तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा है, हैं? ये बोलती थी, बोलती थी ना? क्या कह रही थी? मेरे को तेरी शादी भी नहीं करने देगी मेरे को, हैं? भाई एक काम करते ही ना, गंजा करके ही ना कहीं से भगा दे। देख ले, तेरी वाइफ किसी और का चूड़ा पहन के आई है। लो तुम कह रहे हो मेरे साथ प्यार करती है, ये प्यार है? आपको थोड़ी ना पता रेंट कहाँ से आ रहा है, क्या कहाँ पे हो रहा है? कोई बात नहीं, अब पता लग जाएगा। इन्हें तो गंजा करवा और गधे पे लिखा लो, जब पता लगेगा इन लोगों को। तो ऐसे को खाना नहीं आया, खाना नहीं आया, अब दर दर की ठोकरे खाती फिरेगी ना, जब मजा आएगा। काम करते हैं, तेरे घर वालों को बुला लेते हैं, शाम को बुला के बता देते हैं भाई आपकी बेटी क्या कर रही है शादी के बाद। 8 साल हो गए शादी को, उसके बाद एक चूड़ा कहाँ से याद आया? नए आशिक का चूड़ा, ये नए आशिक का चूड़ा है ना। मुझसे कहती भैया मेरी शादी होने वाली है, मैंने बताया तो मुझसे कहती तेरे को शादी नहीं करने दूंगी, तू मेरा है। खरीद लिया उसको, है खरीद लिया उसको, क्या करा? चलो आप बताओ बस क्या करा? अब बोलो ना जो कह रही थी अभी। बोलो ना कुछ, ये भैया इससे बोलो या बोलने के लिए आप एक काम करो, इसका हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाओ, क्योंकि भाई हाथ जुड़वा, मैं नहीं ले जाने का इसे। इधर भाई साहब, जो आपको दिखाना था हमने वो चीज आपको दिखा दी, जो आप उसको मारना धाड़ना धमकियां दे रहे थे ना, वो आप अपनी वाइफ के साथ करो। एक काम करो, इसके माँ बाप बुला लो। नहीं भैया, या तो उसके माँ बाप बुला भैया, लो नहीं भैया, या तो दादा परदादी बुला लो, या तो इसको लेके खुद ऊपर चले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। हमने जो आपको दिखाया वो चीज आपको सच्चाई लगी या झूठाई, ये बताओ। बिल्कुल अच्छी लगी, जो आपने बनाया वो मेरे हाथ में ही हवाले कर देना,
सबको दिखाऊंगा इसका क्या ना, ये आपके हवाले ही तो करते हैं। नहीं इसे नहीं करना है भैया। बच्चे को क्या बोलोगे जब बड़ा होगा? बच्चा तू क्या बता मेरा है या नहीं है ये बता, क्या विश्वास करूं ऐसी औरत पे? तुम्हारा 3 साल का बच्चा होने के बाद भी, हस्बैंड होने के बाद भी तुम रात रात को उसके पास जाके मुंह मारती हो, तुम्हें शर्म आती है? नहीं इधर मुंह ऊपर करके बोलना। गलती हुई है, एक बार ही होती है ना गलती? कितने कितनी बारी आती है तेरे पास भैया? जब मर्जी होता तब आवाज आती है। कितनी बारी गलती हुई है तुमसे? कभी भैया कभी गलती कहती। कितनी बारी हुई है तुमसे, समझ नहीं आ रही क्या? पानी में डूब मर है बहुत बार। तो अभी अभी क्या हुआ, अब क्या हुआ? हस्बैंड आती बत्ती गुल हो गई है? साले ने तेरे को पैसे दे रखे हैं, है नीचे के फ्लोर दे रखे हैं कि जो मन में आ रहे वो कर, और तू पड़ोसियों के साथ पूरी रात बिता रही है। भाई मैं तो एक बात बताऊंगा, जितने लोग बाहर काम करते हो, अपने बिजनेस करते हो, अपने घर वाले का, अपनी वाइफ का भी ध्यान रखो। जैसे मेरे घर बिगड़ा तुम्हारा, तेरे हस्बैंड ने देख ले कैमरा लगवा रखा, देख जो तू देख कर रही देख, देख अब बंद करवा दो ना। बंद ऐसे मत करो। बंद होगा एक शर्त पे, तेरे माँ बाप को बुला अपने। बंद तो ये किस कीमत पे भी होगा, अपने माँ बाप को बुला, बंद करो। जो लोग अपनी कमाई में अपने बच्चों के बिजनेस में लगे रहे, खाने पीने का, तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हारे उठने बैठने के लिए, तुम्हारी खाने में, और उसके साथ ऐसा खेल करते हो तुम, समझ भी नहीं आती नहीं भैया मैं भैया गाड़ी छोड़ दूंगा भैया भैया मैं गाड़ी छोड़ दूंगा गलती हो गई सुनो आप पैसा क्योंकि मैंने क्या कर दिया तेरे दिख गई ना असली औकात तेरे को लगा के पति के पीछे मुंह काला करूंगी पता नहीं लगेगा लग गया ना पता झूठ कितने दिन छुपाओगी हैं कितने दिन झूठ छुपाओगी उसको शादी करने नहीं दे रही तुम भाई जिसका पेट भरा हुआ हो ना वो ऐसी मुंह मारता है यार बाद में यही हाल होता है अब तू ना यहाँ की रही ना ऊपर वाले की रही बीच में लटके अपना देख लो क्या करना भाई उसको भाई क्या भाई। करना इधर आ तेरा कोई लेना देना नहीं आप जानो ये जाने आप देख लो उससे क्या बात करनी है भाई भाई मुझे निकलनी है बात गलती हो गई मान इधर आ गलती हो गई मेरे से आवाज ना उठाइए गलती हो गई तेरा अब कोई नहीं हूँ देख ले उनका घर खराब करवा दिया ना भैया रेंट देने गया था भैया मैंने मोहलत मांगी बस मुझे 15 दिन का टाइम दे दो मेरे साथ इसी ने जबरदस्ती कर रही है और इसकी बातों से भी यही लग रहा है कि इसी ने इसके साथ जबरदस्ती करी मैं तो बस 15 दिन का टाइम मांगने गया था भैया जाओ मेरी तरफ से मेरे तो मन तन से निकल गई है भैया मेरे को क्या पड़ी भैया मेरे को क्या पड़ी है कि कुछ करने की अब जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है वो भी वीडियो देखेगी ना वो भी तेरे साथ शादी नहीं करेगी भाई इन दोनों के करवा दे बात खत्म कर दे पता अरे भैया आप आपकी भी आप संभालो ना अच्छा इतने टाइम से तू संभाल रहा था तब कहाँ पे था अरे मेरे तो गलती होगी ना भैया घर वाली जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है ना वो भी जब ये वीडियो देखेगी एक काम करो ये वीडियो शेयर करो जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है साला इसकी भी इसका जब इसका घर खराब हो रहा है तो इसका भी घर खराब होना चाहिए सॉरी भैया अपनी घर वाली को लुगाई को बोलिए सॉरी भैया ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ मैं नहीं इसका कोई मैं वीडियो मत भेजवाओ भैया भैया वीडियो मत भेजवाओ भैया शादी अभी अभी तय हुई है भैया जाऊँ भाई मैं जाओ भाई साहब हाँ अरे मेरे घर पे भैया पलट के भी मत देखना ठीक है ना आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं अभी अभी शादी तय हुई भैया वीडियो वीडियो मत भेजवाओ भैया इससे शादी कर लेना ना अरे भैया मैं इससे कर लेना भैया मैं तो फंस गया ना जबरदस्ती 15 दिन तुम मैं इसके साथ रहने में दिक्कत नहीं भैया मैं तो फंस गया ना जबरदस्ती भैया मेरे लेना कोई दिक्कत नहीं भैया मैं जबरदस्ती इसको संभालो इसको यूं बोलो कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तेरे साथ शादी करूंगा कहीं अरे नहीं भैया मैं जबरदस्ती फंस गया भैया तुमने जो करना तुमने कर लिया भैया जो करना फिर जो करना कर लो भैया सॉरी भैया भैया क्या सॉरी बोल रहा हूं उसको बोलना जो तेरी आधी घर वाली है अरे भैया मैं नहीं करता भैया मैं कुछ नहीं करता भैया मैं कुछ नहीं करता